समाजवादी पार्टी के बरेली से भोजीपुरा विधानसभा के विधायक शहजिल इस्लाम के विवादित बयान की हिंदू संगठनों ने निंदा की है। विधायक ने योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर असभ्य भाषा में धमकाने के अंदाज में कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने विवादित विचार रखे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हम विपक्ष में बड़ी संख्या में हैं और हमारे नेता ने कहा है कि हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। हिंदू संगठनों ने उनके विवादित बयान पर मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने कहा कि अभी हम वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुई है न्यूज 18 और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, जिसमें यहाँ बरेली विधानसभा की भोजीपुरा से विधायक हैं साजिल इस्लाम, उनके द्वारा एक बयान बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि विधानसभा में अब विपक्ष बहुत मजबूत है, बब्बर शेर बैठा है अखिलेश यादव, हमारी बात यदि योगी ने दबाई तो हमारी बंदूकों से धुएं की जगह गोलियां लगेंगी। इस प्रकार से बहुत ज्यादा जो है वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और करोड़ों हिंदू समाज की आस्था के प्रतीक पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ और हिंदू समाज को जो असभ्य कह रहे हैं, आज उसके विरोध में हम एसपी सिटी बरेली से मिलकर के एप्लीकेशन दे करके मुकदमा पंजीकृत कराने की मांग कर रहे हैं। मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए और उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उनके द्वारा बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। उस वीडियो की जाँच कराई जा रही है, जो भी इसमें तथ्य प्रकाश में आएंगे और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं और भी इसमें जानकारी प्राप्त की जा रही है, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे इसके आधार पर इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।